ये फिर आ गया? हाँ, मैं फिर आ गया। दुबई गया था इनायत खलील से डील करने, और डील में क्या लेकर आया हूँ वो इस वीडियो के एंड तक पता चलेगा। मुझे अब तक जितने भी भक्त मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग भक्त इस्कॉन के हैं, और मेरी इस बात को वो खुद ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रूव कर देंगे। अभी तक जितने डम और घटिया आर्ग्यूमेंट्स भी मैंने सुने हैं वो भी इस्कॉन के लीडर से ही सुने हैं, और इन्हें कुछ खास लगाव है नास्तिकों से, तभी ये बहुत बातें करते हैं नास्तिक लोगों पर। तो मैंने सोचा ये कॉन्वर्सेशन हमारे पार्लियामेंट और न्यूज़ मीडिया की तरह वन साइडेड क्यों रहे, हम भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इससे पहले कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर छाती पीट कर चूड़ियाँ तोड़ते हुए रोना शुरू कर दें, उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो किसी गॉड या रिलीजन के लिए नहीं है। ये वीडियो एक संस्था के कुछ लीडर्स के लिए है जो कि नास्तिक लोगों पर अपने थॉट्स और ओपिनियंस पब्लिकली शेयर करते हैं, तो आई होप कि वो काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने की गट्स भी रखते ही होंगे। तो चलो बिना किसी रिलीजन या गॉड को हर्ट किए शुरू करते हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे को आज तक भी एक लॉजिकल एथिस्ट नहीं मिला। अब पार्टी पठान के घर में रखोगे तो पठान तो आएगा, अगर एथिस्ट लॉजिकल नहीं होते तो वो एथिस्ट नहीं होते। एथिस्ट होना ही बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो लॉजिकल है, वो रैशनल है। अब मैं सभी लॉजिकल एथिस्ट की लिस्ट गिनवाने बैठा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इस्कॉन के सारे फॉलोअर्स की डिग्रीज और IQ दोनों कम पड़ जाएंगे। मगर खैर, अब इन्होंने उड़ता हुआ तीर पकड़ा ही है तो मज़ा चखा देते हैं। ये बहुत सारे लॉजिकल एथिस्ट में से कुछ पॉपुलर नाम हैं। अब ये सब लॉजिकल है या नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में खुद बता देना। एलन टरिंग, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। अल्फ्रेड नोबेल, द फादर ऑफ नोबेल प्राइजेस। जेम्स वॉटसन, द फादर ऑफ DNA रिसर्च। जेम्स चैडविक, द मैन हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड आई डोंट थिंक इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। कार्ल सेगन, स्टीफन हॉकिन, बर्टन रसल, नील डिग्रास टायसन, रिचर्ड डॉकिंस। भाई एथिस्ट है यार, इनका कुछ नहीं हो सकता यार। नहीं 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 नहीं, एथिस्ट है, बीमार है वो, उसको ठीक करना है। लॉजिकली सोचना, रैशनल रहना, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना, बिना किसी धर्म के दिए हुए डर या लालच के सबसे नैतिकपूर्ण व्यवहार करना, करेजियस होना, स्केप्टिकल होना, नॉलेजेबल होना, इंटेलेक्चुअल होना, हम्बल होना, ये सब अगर बीमारी के लक्षण है तो हम एथिस्ट बीमारी सही। और हम क्या, फिर तो ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान को लगनी चाहिए। हिंदुस्तान को इस बीमारी की सख्त ज़रूरत भी है। असली बीमारी क्या है, बीमार कौन है, मैं आपको बताता हूँ। धर्म के नाम पर भेदभाव करना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे की जान लेना, धर्म के नाम पर अंधविश्वासी होकर कुछ भी मान लेना, धर्म के नाम पर वोट देना, धर्म के नाम पर नोट लेना, धर्म के नाम पर साइंस और ह्यूमैनिटी दोनों का गला घोट देना, ये सब बीमारी के लक्षण हैं। ये लोग बीमार हैं। तो अच्छा प्रभु, ये फिर इनका होता क्या? भगवान कहें कि नर्क जाते हैं क्या? तो लेकिन नर्क जाने के लेकिन टिकट तो चाहिए होगी, लेकिन भगवान ने कहा कन्फर्म टिकट मिलती है इनको। दुनिया में कोई नास्तिक आपसे इस तरह की बचकानी और बेवकूफ़ी भरी बात नहीं करेगा कि अगर आपको मेरे बिलीव्स में बिलीव नहीं है तो आप नर्क में जाओगे। आपके घर में अगर आकर कोई आपसे कहे कि आप मरने के बाद नर्क में जाओगे तो आप क्या करोगे राठौर साहब? ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। और नर्क में भी बहुत सारे बंदोबस्त हैं जहाँ आपको अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे इसी को देख लो यार, ये ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। बहुत तरह के वहाँ पर, कहीं पर उबाला जाता है, कहीं सड़ा जाता है, कहीं घुसाया जाता है। अरे मजा ही मजा। दुनिया के सभी धर्म के ठेकेदारों को ये भ्रम है कि जो भी उनके रिलीजन या गॉड को नहीं मानता है वो उनके ही रिलीजन के हेल में जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि आप कितना भी धार्मिक हो लो, आप किसी न किसी धर्म के हिसाब से तो नर्क में जा ही रहे हो। सब जाते हैं क्या? नहीं, भगवान का जो मेरे भक्त है ना, बस एक्सेप्ट दोज हु आर डिवोटेड टू मी, वो नहीं जाते बस, बाकी सब के सब उनको जाना पड़ता है। ये नास्तिकों का नर्क का कन्फर्म टिकट निकाल रहा है, इसको खुद को अभी ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिलता होगा। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा, अब भी यहीं के दिखाऊंगा। अभी कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। दिखता तो आपको ब्रेन भी नहीं है, आपने अपने परदादा को देखा था क्या? इस तरह की घटिया बात का जवाब मैं इनकी बहना को दे चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहना से याद आया, इन महाशय के महिलाओं को लेकर भी बहुत विचित्र विचार हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। युवाल नो हरारी ने कहा कि आप एक बंदर को बंदरों के स्वर्ग में लिमिटलेस बनाना देने का प्रॉमिस करके उससे बनाना नहीं ले सकते, उसे कन्विंस नहीं कर सकते।
मगर आप इंसानों को कन्विंस कर सकते हैं। धर्म के ठेकेदार भी यही करते हैं, आपका टाइम, एनर्जी और पैसा लेकर आपको एक इनविजिबल चीज़ बेचते हैं। जैसे आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आत्मा है और मरने के बाद वो कहाँ जाएगी, उसके साथ क्या क्या होगा, इसका डर दिखाकर आपसे ना जाने क्या क्या कर्मकांड करवाए जाते हैं। इसी पर कबीरदास जी कह गए हैं कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवाए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौए को बाप बनाए। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं सारा सारा, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वीनल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में कोऑपरेट होकर चल रहे हैं। कौन कोऑपरेशन करा रहा है इनकी? हम तो नहीं कराते, हमको तो होश ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कुछ बॉडी फंक्शंस कॉन्शियसली आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब भगवान करवा रहा है। और अगर सब कुछ भगवान करवाता है तो इसी सिस्टम में कैंसर, एड्स और अभी रिसेंटली कोविड हुआ था, वो सब किसने करवाया था? ये एक टाइप का गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट है। गॉड ऑफ द गैप्स आर्ग्यूमेंट मतलब हर वो चीज़ जिसमें मिस्ट्री है, हर वो चीज़ जिसके बारे में हम पता नहीं है, उसे हम गॉड का नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल हमारे लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक मिस्ट्री है, तो कुछ लोग इसी को गॉड कह देते हैं। मगर इन्हें गॉड कहने में प्रॉब्लम यह है कि इनके बारे में हमें कुछ सालों में पता चल जाएगा। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया जिसके बारे में हम पहले कहते थे कि ये गॉड ने किया है या फिर ये गॉड है, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, अर्थक्वेक, आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, वॉल्केनोस और ऐसी ढेर सारी चीज़ें। आपके बॉडी फंक्शंस अनकॉन्शियसली ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आपका सर दर्द किसी ने अलग कर दिया तो भगवान नहीं आएंगे आपका सिस्टम चलाने। आपकी आँखें, जिनसे शायद आपको अभी ठीक से नहीं दिखता है, उन्हें ठीक करने आपके भगवान नहीं आए, विज्ञान ने आपकी मदद की, विज्ञान ने आपको चश्मा पहनाया जिससे भी आप क्लियर देख पा रहे हैं। मगर अफसोस, साफ नज़र से देखने के बाद भी आपका नज़रिया नहीं बदला। कोरोना महामारी के वक्त इस्कॉन के सभी संत जो लाइन लगाकर खड़े थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तब भी कोई ईश्वर नहीं आया आपको बचाने, विज्ञान ने आपको बचाया। देखो, अब नीचे ये कमेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने कोविड के टाइम मिलियंस ऑफ लोगों को खाना खिलाया, आपने लोगों के पैसों से ही लोगों को खाना खिलाया। ये काम होटल भी करता है। मेरे पास भी 10 करोड़ का डोनेशन आता तो मैं भी लाखों लोगों को खाना खिलाता और थोड़े पैसे से स्टूडियो अपग्रेड कर लेता, जैसा आप लोग करते हैं। लोगों को खाना खिलाना, उनकी हेल्प करना, ये सब तो NGOs भी करते हैं, वो भी बिना किसी रिलीजियस एंगल के। माता पिता को मानता है लेकिन परम पिता को नहीं मानता, सो कहीं ना कहीं वो अनग्रेटफुल है। कैन एन अनग्रेटफुल पर्सन बी हैप्पी अल्टीमेटली? आप परम पिता को मानते हो? कौन परम पिता? अरे परम पिता जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, जो इसको चलाता है। हमको ये पता चल गया कि ये किसी ने बनाया है, हाँ, और हमको ये भी पता चल गया कि किसने बनाया है, हाँ, ये भी पता चल गया। हमको ये पता चला कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, नहीं वो पता नहीं चला, लेकिन ये पता चल गया कि इसका मालिक कौन है। आपको पता है ना कि इस अर्थ का साइज़ इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़े समुद्र में एक बूंद की तरह है। हाँ, हमको सब मालूम है, हमको इस समुद्र के बाहर का ही मालूम है। दैट्स ग्रेट, मगर मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूँ, क्योंकि प्रूफ है ना हमारे पास। हाँ, फाइनली बताओ क्या है प्रूफ? ये किताब है, इसमें लिखा हुआ है। क्या? ये किताब है ना, इसमें लिखा हुआ है, यही प्रूफ है। लिखा हुआ तो मेरे पास भी है हैरी पॉटर किताब में, लेकिन इससे ये प्रूफ थोड़ी होता है कि हॉगवर्ट्स सच में है। हाँ, मगर ये किताब 5000 साल पुरानी है। 5000 साल बाद हैरी पॉटर किताब भी 5000 साल पुरानी हो जाएगी ना? मतलब आप कह रहे हो कि परमात्मा नहीं होते, आप कह रहे हो कि भगवान नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल हमारे पास भगवान के लिए सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस नहीं है, जब मिलेंगे तब मान लेंगे। ग्रेटफुल नहीं हो आप? क्या ग्रेटफुल नहीं हो आप? खुश नहीं रहोगे कभी, देख लेना। हाँ चल जा, चल निकल। क्योंकि एथिस्ट क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड। क्योंकि गॉड है तभी तो बोल रहे हैं ये लोग, देयर इज नो गॉड। ऐसे कोई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लोग हैं? कभी देखे ऐसे लोग आपने? क्योंकि ब्लैक लिली ही नहीं है तो ऐसे लोग भी नहीं है जो बोले ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट। जिस दिन ब्लैक लिली को लेकर शहर में दंगे होंगे, एक दूसरे से नफरत की जाएगी, ब्लैक लिली के अंधविश्वास में लोगों की जान जाएगी, जब ब्लैक लिली को लेकर आपस में लोग लड़ मरेंगे, जब बिजली पानी सड़क शिक्षा को छोड़कर लोग ब्लैक लिली की दीवानगी में वोट देने लगेंगे, तब कुछ लोग होंगे समाज में जो कहेंगे ब्लैक लिली डज नॉट एग्जिस्ट। गॉड आपका पर्सनल मैटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग गॉड को लेकर ऊटपटांग चीज़ें करते हैं जिसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है।
इसीलिए कुछ लोगों को कहना पड़ता है गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह के सो कॉल्ड धर्म गुरुस आपको बीमार कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे और आपको मरने के बाद नर्क में भेजने की बातें कहेंगे, मगर आपको फिर भी सही और सच के साथ खड़े रहना है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। वी एथीस्ट आर फाइटिंग विद द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन अर्थ। आपको पता है मेरी बातें धर्मान लोगों को और धर्म के ठेकेदारों को इतनी चुपती क्यों है? मुझे तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ गई। तुमने इतने साल गूदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे तो। I understand। इन्होंने इतनी बकवास फैला रखी है सोसाइटी में कि एक वीडियो में वो सारा कचरा साफ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इन लोगों पर और इन जैसे लोगों पर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। हिट से याद आया, दुबई से डील करके मैं कुछ लाया था ना। कालास निकाव।